हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का स्वागत है। आज सीट क्रमांक 4 में प्रस्तुत है अनुच्छेद 1। आइए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता ज्यूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेलकूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थी, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते तथा साथ ही दौड़ें भी। यूनान वासियों के लिए ये मन और शरीर के मेल थे और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा ज्यूस के प्रति सम्मान था। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और रथ दौड़ाते थे। खेल ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होते थे और पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। आइए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए थे? तो इसका बी उत्तर सही है, 776 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न, ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते हैं? तो इसका डी उत्तर सही है, ओलंपिया में। तीसरा प्रश्न है, खेल से मेल होता है? तो इसका ए उत्तर सही है, मन और शरीर का। चौथा प्रश्न है, ज्यूस था? तो ज्यूस एक यूनानी देवता था, इसका बी उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न है, प्रयास का पर्यायवाची होगा? प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्न, तो ए उत्तर सही है, प्रयत्न प्रयास का पर्यायवाची शब्द होगा। आइए बच्चों, अब हम अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं। संसार में सर्वप्रथम शिक्षा का विकास मिस्र में हुआ। प्राचीन समय में पुरोहित मिस्र में बच्चों को मंदिरों में शिक्षा देते थे। सरकार शिक्षा के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। सरकारी विद्यालयों में गणित, इतिहास, ज्योतिष, धर्म, राजनीति, भूगोल तथा खगोल शास्त्र की शिक्षा मुख्य रूप से प्रदान की जाती थी। प्राचीन मिस्र में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था थी। मिस्रवासी वनस्पति गोंद, काजल और पानी का गाढ़ा घोल बनाकर उसका स्याही की तरह प्रयोग करते थे। वे सरकंडे की कलम प्रयुक्त करते थे। इसके अलावा प्राचीन मिस्र में विज्ञान, गणित, धर्म और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अनेक पुस्तकें लिखी गईं, परंतु इस काल में नाट्यशास्त्र का विकास नहीं हुआ। मिस्रवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान था। विश्व के इतिहास में पहला पंचांग बनाने का श्रेय मिस्रवासियों को ही जाता है। धूप घड़ी का आविष्कार भी मिस्रवासियों की ही देन है। बच्चों, आइए अब हम इस अनुच्छेद के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन मिस्र में पुरोहित बच्चों को शिक्षा देते थे? तो इसका सी उत्तर सही है, मंदिरों में। दूसरा प्रश्न है, मिस्रवासियों को किसका विशेष ज्ञान था? तो इसका सी उत्तर सही है, ज्योतिष शास्त्र का। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, मिस्रवासी काजल का प्रयोग करते थे? तो इसका बी उत्तर सही है बच्चों, स्याही बनाने में। चौथा प्रश्न है, प्राचीन मिस्र में किस कला का विकास नहीं हुआ था? तो इसका डी उत्तर सही है, नाट्य शास्त्र का। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सी उत्तर सही है, नया। प्राचीन माने पुराना, तो नया इसका विलोम होगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। हम अगले अंक में फिर मिलेंगे। बाय बाय।